हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जनजातीय आंदोलन या ट्राइबल मूवमेंट्स। ये आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 54 है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जनजातीय आंदोलन हुए हैं और इनके उद्देश्य क्या क्या रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जनजातीय आंदोलन क्या है ये हम देखते हैं। जनजातीय आंदोलन का संबंध किसी जनजाति या उसके किसी एक भाग के द्वारा किया जाने वाला उस सामूहिक प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य एक विशेष विचारधारा के आधार पर जनजातीय समुदाय की दशाओं में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने से होता है। भारत में जनजातीय आंदोलनों की प्रकृति तथा उद्देश्यों के आधार पर इन आंदोलनों को मुख्य पांच प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है विरोधपूर्ण आंदोलन या प्रोटेस्ट मूवमेंट। दूसरा है सुधारवादी आंदोलन या रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। तीसरा है राजनीतिक आंदोलन या पॉलिटिकल मूवमेंट। चौथा है पृथकतावादी आंदोलन या सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और पांचवा है एकतावादी आंदोलन या इंटीग्रेटिव मूवमेंट। तो ये पांच प्रकार के आंदोलन आदिवासियों द्वारा किए गए हैं अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले हम विरोधपूर्ण आंदोलन या प्रोटेस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। विरोधपूर्ण आंदोलन का उद्देश्य जनजातियों द्वारा अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना रहा है। राजस्थान की भील जनजाति द्वारा चलाया जाने वाला खान देश आंदोलन, जो 1817 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था, जिसमें रेल और सड़क के लिए ज़मीन हड़प कर अंग्रेज़ों ने जनजातियों को उनके जंगलों से और उनके स्थानों से उन्हें विस्थापित कर दिया था या उन्हें हटा दिया था। तो सबसे पहले जनजातीय विरोधपूर्ण आंदोलन कौन सा हुआ था? खान देश आंदोलन हुआ था, जो 1817 में हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान में हुआ था भील जनजाति के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद है संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला विद्रोह, जिसे हम सिद्धू कानू विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक और नैतिक शोषण का विरोध दो भाइयों ने किया। ये आर्थिक और नैतिक शोषण का विरोध भी अंग्रेज़ों के विरोध में ही किया गया था। यह सरकारी व्यवस्था का विरोध और अपने हक की लड़ाई थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुंडा जनजाति द्वारा चलाया जाने वाला हिंसक आंदोलन इसका एक उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं सुधारवादी आंदोलन या रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्या है। कुछ जनजातियों द्वारा अपनी कुरीतियों और अंधविश्वासों, कुरीति का मतलब होता है कि समाज में वैसे कुछ नियम जो समाज को विकास की ओर नहीं ले जा करके पतन की ओर ले जाते हैं, लोगों की क्षमता को कम करते हैं और समाज का विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो रीति चली आ रही है, इस तरह के जो नियम का अनुसरण करते रहते हैं लोग, इसे ही हम कुरीति कहते हैं।
खराब रीतियाँ हुई, कुरीति, ठीक है। तो कुछ जनजातियों द्वारा अपनी कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए किया गया आंदोलन, इनमें ताना भगत आंदोलन जो उराव जनजाति द्वारा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन को रचनात्मक दिशा देने के लिए किया गया, यह जातरा नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। भील भगत आंदोलन ये भी एक सुधारवादी आंदोलन है जो राजस्थान की भील जनजाति अपनी कुप्रथाओं को छोड़कर हिंदू जीवन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करती थी, ठीक है। तो सामाजिक कुप्रथा क्या हो गया जनजातियों में? जनजातियों में सामाजिक कुप्रथा कहने का मतलब हो गया कि वो लोग नशीले पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, शराब वगैरह पीना, हड़िया पीना, ये सब पी के क्या होता है कि इंसान अपनी क्षमता को भूल जाता है और नशे में धुत रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसके समाज का विकास नहीं हो पाता है, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, सभ्यता का विकास जिस तरीके से हो रहा है उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं और उनकी जीवन शैली जो है उतने तक ही सीमित रह जाती है। तो ये नशा करना और सभ्यता में आगे नहीं बढ़ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो समाज के लिए हितकर नहीं थी, इसलिए भील जनजाति, भील भगत आंदोलन में ये था कि इन अपनी पुरानी कुप्रथाओं को छोड़ करके हिंदू समाज में जो अच्छी प्रथा चल रही थी, जैसे कि लोग स्वच्छता के प्रति सजग थे, एजुकेशन या शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता थी और साफ सुथरे तरीके से रहना, पढ़ना लिखना और अपने जीवन को विकसित करना, सही दिशा की ओर ले जाना, ये सब अच्छी बातें जो हिंदू जीवन शैली थी उस शैली को अपनाने लगे भील भगत आंदोलन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है राजमोहिनी आंदोलन। मांझी गोंड जनजाति की वृद्ध महिला राजमोहिनी द्वारा मध्य प्रदेश में सन 1951 में आरंभ किया गया राजमोहिनी आंदोलन। राजमोहिनी देवी ने शराब का बहिष्कार करने, गोंड जनजाति में अहिंसा, भाईचारे, प्रेम को विकसित करने का उपदेश दिया। इन्होंने जब इनके क्षेत्र में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो 21 दिन तक का इन्होंने उपवास किया था और अकाल से ग्रस्त इलाके में 21वें दिन बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। तो इस प्रकार राजमोहिनी ने भी अपने समाज के लिए एक सुधारवादी आंदोलन चलाया, वृद्ध महिला ने एक सुधारवादी आंदोलन चलाया और समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए जागरूक किया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, अगले क्लास में हम राजनीतिक आंदोलन और एकतावादी आंदोलन